दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। आपको ऐसे भारतीय लोग मिल जाएंगे जो बरमूडा त्रिकोण के बारे में अपने विचार और उससे संबंधित दुनिया भर की थ्योरी के बारे में पूरी तन्मयता से बताएंगे। लेकिन उनको उनके अपने ही देश में एक ऐसी खूनी झील है जो अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेती है, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या पूरी सेना। और यही कारण है कि कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अ लेक ऑफ नो रिटर्न की। भ्रम हो अथवा यथार्थ, रहस्य का निर्माण अक्सर इतिहास के पात्र ही करते हैं। ये हमारा काम है कि हम उस पर अनुसंधान करें और उसमें छिपे हुए सत्य की खोज करें। प्रकृति भी हमें इसी के लिए तो प्रेरित करती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत वर्ष के उत्तर पूर्व में भारत बर्मा की सीमा के पास पांडसु दर्रे के क्षेत्र में एक रहस्यमय झील है। इस झील की लंबाई 1.4 किलोमीटर तथा अपने सबसे चौड़े हिस्से में ये 0.8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ये झील वहां लीडो रोड, पुराने समय में इसे स्टिलवेल रोड कहा जाता था, के दक्षिण पश्चिम में कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में तांगसा जनजाति रहती है। इस रहस्यमय झील को अ लेक ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इस झील के आसपास का इलाका भी वीरान और बंजर है। इतनी खोजों के बाद भी आज तक इस झील के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। पशु पक्षी भी इस झील से दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस क्षेत्र के पास वाले गांव में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी यहाँ आधी रात के आसपास विचित्र रहस्यमय तरीके की अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं। इससे संबंधित एक भयानक घटना उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। उन दिनों अंग्रेजों और जापानियों के संघर्ष के समय जापानी पूरे असम पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जापानियों के दुस्साहस अभियान को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए अंग्रेजों ने एक विशाल सेना, जिसमें सैन्य टुकड़ियों के अलावा तोपखाने व बख्तरबंद गाड़ियां भी थी, इसी रास्ते से बर्मा की ओर भेज दी। लेकिन अचानक ही पूरा का पूरा सैन्य काफिला पांगसु दर्रे के पास पहुंचते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उधर दूसरी तरफ जापानियों की ओर से जो सेना असम पर कब्जा करने के लिए भेजी गई थी, वो भी इस झील के पास पहुंचते ही गायब हो गई। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों तरफ की पूरी सेनाएं आखिर गई तो गई कहां। दोनों ही देशों की तरफ से अपनी अपनी सेनाओं के गायब होने के कारणों की खोज की गई, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। लापता सैनिकों की खोज में भेजे गए हेलीकॉप्टरों के चालक दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो झील ऊपर से एक विशाल दलदल जैसे नजर आती है। इन सब घटनाओं में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इस झील की फोटो खींचने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन उसमें भी किसी को कोई सफलता नहीं मिली। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस झील से कुछ विचित्र रहस्यमय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं, जो फोटोग्राफिक कैमरों को रोक देती है इसकी फोटो खींचने से। कुछ शोधकर्ताओं जिन्होंने इस झील की गहराई से अध्ययन किया है, उनकी राय है कि कदाचित यहाँ ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों और लोगों से आए हुए एलियंस का कोई संचार केंद्र होगा, और वो प्राणी नहीं चाहते हों कि कोई मनुष्य यहाँ पहुंचकर उन पर अनुसंधान करे और उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त कर सके। ये झील द्वितीय विश्व युद्ध में दो देशों की सेनाओं के लापता होने के समय जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही रहस्यमयी आज भी है। समय कोई भी हो, रहस्य हमेशा उतना ही सम्मोहक बना रहता है जितना वो अपने सृजन के समय था। इतिहास के पर्तों पर जमी धूल उसे धूमिल तो कर सकती है, लेकिन मिटा नहीं सकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए रहस्य टीवी इंडिया।